क्रिकेट की दुनिया में मैदान पर खिलाड़ी और चोट का पुराना नाता है, लेकिन कभी कभी चोट काफ़ी गंभीर हो जाती है। हाल ही में बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम जहां बाउंसर से बुरी तरह घायल हो गए, वहीं ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग 2020 में विकेटकीपर पीटर नेवल बुरी तरह घायल हो गए। बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच मुकाबले के दौरान ये हादसा हुआ। बल्लेबाज ब्रेड हॉज का बैट विकेटकीपर पीटर नेवल के मुंह पर जाकर लगा, इसके चलते उनका जबड़ा टूट गया। चोट लगते ही वो मैदान पर गिर पड़े और थोड़े ही देर में उन्हें सूजन आ गई और इसके तुरंत बाद उन्हें मैदान से अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के टॉप T20 प्लेयर्स में शुमार हॉज अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेलबर्न रेनेगेड ने उनके सामने जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा था। ऐसे में हॉज की कोशिश बड़े शॉट खेलने की थी। 18वें ओवर की पहली गेंद श्रीलंका के तिसारा परेरा ने फेंकी। हॉज ने पूरी ताकत से ऑन साइड पर शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट मिस टाइम हुआ, लेकिन उन्होंने बल्ला इतनी तेज घुमाया कि वह उनके हाथ से छूटकर मेलबर्न रेनेगेड के विकेटकीपर पीटर नेवल के जा लगा, जिससे वो घायल हो गए। तो मैदान में कभी बॉल तो कभी बल्ले से खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद खिलाड़ी नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरते हैं। देखते रहिए DB Live।